गुड मॉर्निंग क्लास टू, वेलकम टू EVS ऑनलाइन क्लासेस। सो क्लास, आज हम अपने सिक्स चैप्टर जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट। सो क्वेश्चन ए इज अनजम्बल द लेटर्स गिवन अंडर ईच पिक्चर टू गेट द नेम्स ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर। तो देखिए, यहाँ पर आपको रिवर की स्पेलिंग मिस्टेक दी हुई है, यहाँ पर उल्टी सीधी करके दी हुई है, तो इसे आपको सही करके लिखना है। तो बना आर आई वी ई आर, इसी तरह लेक बनेगा और इसी तरह वेल। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द पेज नंबर 31। ओके, तो देखिए क्वेश्चन बी इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो क्वेश्चन बी इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, यहाँ पर आपको कुछ हेल्प के लिए वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, इनफैक्ट द डर्टी वाटर इज नोन एज पॉल्यूटेड वाटर। सेकंड इज वी गेट वाटर ऑन द अर्थ फ्रॉम, तो इसमें आएगा रेन। एंड द थर्ड इज द वाटर दैट इज अंडरग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन सी। क्वेश्चन सी इज टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट्स, देखो हमें राइट स्टेटमेंट पर राइट साइन लगाना है एंड रॉन्ग वाले पर क्रॉस का साइन लगाना है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन इज वी गेट अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम लेक्स। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो साइन इज क्रॉस का साइन आ गया। क्वेश्चन सेकंड इज लिविंग बींग्स डू नॉट नीड वाटर एट ऑल। सो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो इनकरेक्ट, सो इसलिए क्रॉस का साइन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन डी, क्वेश्चन डी हमें दिया हुआ है आंसर इन वन वर्ड, यानी हमें जो आंसर देना है वो ओनली वन वर्ड में होना चाहिए। सो क्वेश्चन वन इज द की सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज रेनफॉल। एंड द क्वेश्चन सेकंड इज डर्टी वाटर, डर्टी वाटर को बोला जाता है ग्राउंड वाटर भी बोला जाता है, ठीक है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन सी, क्वेश्चन ई। क्वेश्चन ई इज द राइट टू वेज इन विच वी कैन सेव वाटर। तो हमें टू वेज ऐसे लिखने हैं जिनसे हम अपने वाटर को सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे है, फर्स्ट तरीका है टर्न ऑफ द वाटर वाइल ब्रशिंग योर टीथ, यानी कि जब आप ब्रश कर रहे हो अपने टीथ्स को, तो जो पानी नल आप चला कर रखते हो उसे, उस टैप को आपको बंद करके रखना चाहिए। एंड सेकेंड तरीका है यूज़ अ ब्रूम एंड मॉप टू क्लीन थिंग्स। हमें झाड़ू और मॉप मीन्स होता है पोछा, उसका इस्तेमाल करना चाहिए चीज़ों को साफ़ करने के लिए, ना कि ये करना चाहिए कि सीधे नली से ही उसको साफ़ कर दिया, इससे ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन एफ आते हैं हमारे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है कैन वी सर्वाइव विदाउट वाटर। आंसर इज नो, हम बिना वाटर के सर्वाइव नहीं कर सकते। क्वेश्चन सेकंड इज नेम डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर। तो डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर हैं, आंसर इज रेन, पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स एटसेट्रा, ठीक है। क्वेश्चन थ्री इज हाउ डज रिवर वाटर गेट पॉल्यूटेड। सो आंसर इज बिकॉज पीपल आर समटाइम्स केयरलेस एंड थ्रो रबिश इनटू रिवर्स। तो यहाँ पर अपना जो सिक्स चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा जो सेवन्थ चैप्टर है उसकी रीडिंग करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।